जाएगा ना। हाँ, उनके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता इधर से उधर। फिर तो मैं कुछ भी कर सकते होंगे। हाँ भाई, एक छोटी सी समस्या है। हम ना रोज सांझ को जाके अपने घर में सो जावे, फिर जब सुबह उठ के देखे तो एक चितकबरा सा कुत्ता हमारे घर के आगे आके हक के चला जावे। भाई तू उनसे कह के कुत्ते की टट्टी उठवा दे। वो विधायक है, कोई जमादार नहीं है जो टट्टी उठाएंगे। जमादार ना है यहाँ का मतलब कहा हो गए, विधायक तो है। देश की गंदगी साफ करने का फर्ज उन्हीं का ही है, और जो अपने फर्ज से मुकर जावे ना वो फर्जी हो गए। बेटा वोट मांगने तो हमारे दौरे आएंगे, तब जनता की मर्जी देखियो। हाँ हाँ चलो चलो, तुम्हारे एक वोट से हार नहीं जाएंगे वो। बेटा ज्यादा 3-5 मत ना करे, ठीक है? कभी कभी इंसान 0.009 सू भी मुंह की खावे। कोई मुंह की खाता है तो कोई लात की खाता है, अब तुम बताओ क्या खाओगी? घुसंड में ना जमीन में घुस जाएगा, ज्यादा इतरा रहो। अरे तुम गलत समझ रही हो, हारने वाले को तो कुछ खिलाना पड़ेगा ना, अब तुम बताओ क्या खाओगी, समोसा या और कुछ? ठीक है तो हम समोसा खा लेंगे, गैल में एक कोका कोला भी। नहीं नहीं, कोका कोला तो तुम्हें कोई और ही पिलाएगा। कोई और? कौन? तुम्हारा बलमा है? तुमने वो गाना नहीं सुना, मारे पेट में हो रही गुड़गुड़, मैंने पिया जी को बुलाया। रोज तो छज्जे के नीचे आके तांडव मचा देवे, और आज एक भी बालक ना है यहाँ। अरे वीरेंद्र के। कौन मैं? हीरे हाँ तू ही। अरे अम्मा मैं वीरेंद्र का ना हूँ, गजेंद्र का हूँ। वीरेंद्र हो या गजेंद्र, कहाँ फर्क पड़े, थोड़ा ऊपर आ जा, एक कौम है मो। हाँ आ रहा हूँ। अरे अम्मा मैं वीरेंद्र का ना हूँ, गजेंद्र का हूँ, कितनी बार बताऊँ? बेटा वीरेंद्र का हो या गजेंद्र का, भटकना तुम्हें दर्दरी है। हम दर्दर भटकेंगे। और वीरेंद्र गजेंद्र दर्दरी तो भटक रहे हो। चल बाबा तो छोड़, मैं कौन बता रही हूँ वो कर ले। हाँ तो ठीक है, काम तो बताओ। बेटा बिजली बड़ी देर से मिल ना रही है, तू थोड़ा ढूंढ ले जाके जिंदी है कि मरगी, अगर जिंदी मिल जावे ना तो बस कह दियो 5-5 रुपए वाले 4 समोसे खरीद ले वे, बाकी दादी ने कह दिया। ठीक है, और पैसा? वो तो बिजली धोरे होंगे, और अगर बिजली धोरे ना हो ना बेटा तो तू दे दियो, वैसे भी तेरी मम्मी उपला लेके गई वा दिन, पैसे ना दिए वा ने, यही बहाने तेरी थोड़ी उधारी उतर जाएगी है। वे कंजूस बुढ़िया। ओए मां, गया ना गया कंजूस बता रहा गजेंद्र का। ओहो अकेले अकेले समोसे खाए जा रहे हैं। तेरी कितनी आंख है? दो। तो भाई दोनों आंखन का इस्तेमाल करना, मैं तो इकली दिख रही हूँ, हम दो बैठे हैं। वो तो मुझे भी दिख रहा, लेकिन कभी कभी हमें भी खिला दिया करो, अकेले अकेले खाते रहो। तो अभी भी कौन सा खिला रही है, हम ही खिला रहे हैं इनको। हारा तो खिलाना तो पड़ा गई ना, जीता होता तो मैं खिलाती। जीता होते तो तू भी कौन सी खिलाती, यही खिला रहा होता। ओए मां। सही बात है, पिछली बार भी सर हम ही जीते थे, बिना चाउमीन खिलाए भाग गई थी झूठ बोलकर। ऐसा ज्यादा 3-5 करने की जरूरत ना, अगर पार्टी चाहिए तो सीधा बोल। क्या सीधा सीधा बोले, बोल तो दिया जो बोलना था। ठीक है, यूं धरा तुम्हारा आधा समोसा, शाम को 3 बजे घर पे आ जाइए अपनी सड़ियल सी शक्ल लेकर, ठीक है? पीपीडी होएगा। पीपीडी? पार्टी पिक्चर और धमाल। ये रेस तो मुझे यानी न दे रही, सुबह तक तो मैं कतई सही, अब कहा होगा। अम्मा अम्मा, तेरे कहा होगा कैसे गले का तानपुरा बजाए जा रही है, कहा आफत है? तेरे मेरा तानपुरा छोड़ो, दुबई नंटी गए ढोलक बज रही है, जल्दी पहुंचो। अच्छा
अब अच्छा अच्छा मत करो, जल्दी जाओ, नहीं दूसरी औरतें आके आगे बैठ जाएंगी और तुम्हें पीछे बैठना पड़ेगा। फिर आगे वाली औरतें चाय नाश्ता मारेंगी और पीछे आते आते कप प्लेट सफा चट। ओए माँ। ना बेटा, तेरी दुबई नंटी का यहाँ ऐसे भेदभाव ना होता। कोई जल्दी आवे या देर सू, आगे बैठे या पीछे, सबे एक समान माने है। तू चाय नाश्ते की बात कर रही है, अरे पानी के नाम पे भी मौत आ जावे वा। जिसकी जैसी तथा वैसी कथा, जाओ गीत गा के घर आ जाओ, चाय नाश्ता घर पकड़ लियो। बकवास बंद कर, अंदर आ बैठ। यहाँ लालच के चक्कर में भगवान का नाम लेने से भी मना कर रही हो, घोर कलयुग आगा। तू तो सतयुग की पैदाइश हो रही है, तेरे झूठ की देवी मो पता गीत भी इतना हो रहे कोई दुबाइन के। हाँ माँ, तुम्हें कैसे पता? ढोलक ही ना वाके धोर, और तो और गांव की कोई भी औरत जाने को तैयार ना वाके गीतन में। क्यों? जब सामने वाला तुच्छपने की सीमा ही लांगा तो कहा होएगा? ऐसा कहा कर दिया उन्होंने, याद है नवरात्रि में ढोलक बजवाई वाने, पूरे 1.5 घंटे गांव की लुगाई ने अपना गला फाड़ा, तब कहीं जाकर चाय नाश्ते के नाम पे 4 बतासे और 1 गिलास पानी नसीब हुआ। और समोसे कहाँ? मैं कैसे पता चल गई सर्द के समोसे के बारे में? अरे कहाँ बड़बड़ कर रही है, बोलेगी कुछ कहाँ है समोसे? खा लिए सारे ना, आधा वही छोड़ दिया। बेटा पैसे तेरे बाप के ना है, पूछ रही हो या बता रही हो? तो कहा समझ आ रही है? अगर पूछ रही हो तो हाँ पैसे मेरे बाप के ना है, और अगर बता रही हो तो वो पहले से ही पता है। फिर उन पैसन के तने समोसे काई को खा लिए, क्योंकि वे पैसे तुम्हारे बाप के भी ना है, मेरे दोस्त के है। एक रैपट में तेरी सारी दोस्ती दोस्ताने में बदल जाएगी, ठीक है? मैंने वीरेंद्र के लौंडे को भेजी तो बुलाने। वीरेंद्र ना गजेंद्र, वीरेंद्र हो या गजेंद्र कहा फर्क पड़े? मैंने बुलाने को भेजा ना वीरेंद्र का लौंडा तो, और मैंने नू भी कही कि तो समोसे खरीदने कह देवे, पर वाने तो मोसू समोसे खरीदने को कही ना, फिर तेने समोसे खा कैसे लिए? मूसू कदी कह रही है समोसे खाए हैं, कदी कह रही है वाने समोसे खरीदने के बारे में कुछ कह ही ना। बेटा कहना कहा चाह रही है? रे जो मैंने समोसे खाए हैं वे तुम्हारे समोसे ना हैं, शर्त के समोसे हैं, मेरे दोस्त ने खिलाए हैं वो। अच्छा तो वीरेंद्र के लौंडे ने तो समोसे के बारे में कुछ ना बताई? ना, लेकिन समोसे काई को मंगा रही हो? ना तो आज किसी का जन्मदिन है घर में, और ना मो कोई घर में मेहमान दिख रहा। दिख ना रहा तो दिख जाएगा। मतलब? रे तेरी छपरौली वाली बुआ ना, वहाँ का लौंडा आ रहा, मतलब मेरा नाती। यू नाती दादी और पोती का नाता ना तुड़वा देवे। चल अब जल्दी जा समोसे ले आ, वो आता ही होएगा। अभी बाहर से आ रही हूँ, थोड़ा टेक लगा लूँ फिर चली जाऊंगी। बाहर से कौन सा तीर मार के आई है जो टेक लगानी है? तफरी काट के आ रही होगी, ऐसा शांति सुझा के पहले समोसे ले आ। अरे यार सच बोल रही हूँ, मेरी बुआ का लौंडा आ रहा। लेकिन हम कैसे यकीन मान लें, कोई सबूत लाओ। सबूत काई को? चश्मदीद गवाह ले आऊंगी, वकील ले आऊंगी, और जज भी यहीं ले आऊंगी, कोर्ट कचहरी यहीं खोल ले रही हूँ। यार तोसुमो ऐसी उम्मीद नहीं कि तू मोसु सबूत मांगेगा। जब से रोशनी नाम की लड़की हमारी जिंदगी में अंधेरा करके गई है, हमें किसी पर यकीन ही नहीं होता। हाँ यार सही कह रहा है यार, मेरा पता इस दुनिया से यकीन ही उठ गया जब खुशबू नाम की लौंडिया ने भरी क्लास में पाद मार के और वाका सारा इंजाम मुंह पे लगा दिया। तेरे ओ सिलबट्टे सी सिकलो के, यार मेरी समस्या का समाधान भी कर लो अब कुछ। क्या समस्या है तेरी? बुआ का लौंडा आ रहा। ए यू भी कोई समस्या है? तेरे यार मैं दादी से बहुत प्यार करूं, और जहां तक है दादी भी मुझसे बहुत प्यार करे। तेरे और दादी के बीच में प्यार? भाई नरमी गर्मी हर रिश्ते में होवे, चाहे वो सेटिंग बाजी का रिश्ता हो या दादी पोती का रिश्ता, जब थोड़ी नरमी गर्मी होएगी तभी तो प्रेम बढ़ेगा। लेकिन जितनी यू बात सच है ना, उतनी ऊ बात भी सच है कि अगर एक दादी के सामने पोती खड़ी हो और नाती खड़ा हो तो सबसे पहले नाती को ही गले लगाएगी, और वाह के बीच में पोती हो जाएगी इग्नोर, और यू मैं अपनी आंखन के सामने कभी ना देख सकूं। भाई मैं दादी की लाठी अपनी पीठ पर झेल लूंगी, लेकिन वह लाठी का बंटवारा होते हुए ना देख सकूं। कब आ रहा है तुम्हारी बुआ का लड़का? आज ही आ रहा। पहचानती हो उसे? पहचानूंगी काई को ना।
वो देखो कहीं वो तो नहीं है। तेने कैसे पहचान लिया? वो छोड़ो, जब पहचान ही लिया है तो किसी और के पहचानने लायक क्यों छोड़ना उसको। आओ अरे बिजली, तू पहचाना ना वो, मैं रबड़ी। रबड़ी ना, जली हुई रबड़ी। तूने पहचाना ना वो? अभी हमने ही ना पहचाना, थोड़ी देर बाद तू खुद को भी ना पहचानेगा। मतलब? मतलब क्योंकि वे आएंगे तुम्हारी दादी का आधा प्रेम लूट कर ले जाएंगे। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ कि मैंने अपनी बुआ के लौंडे की गैल सही करा या गलत करा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट होगा, वहां जाकर फॉलो कर लो, मौज लो। हम वहां पे भी बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो गिर रहे हैं। ठीक है, राम राम।